नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे लजीज और क्रंची बुनिया। ये एक ऐसी मिठाई है जिसे खाना सभी पसंद करते हैं। बुनिया को हम स्पेशली बसंत पंचमी या कोई फेस्टिवल या त्योहार हो उस टाइम में अपने घरों में बनाते हैं। तो मैं हूँ सुप्रिया सिंह और स्वागत है आपका SS किचन में। तो देर किस बात की है, चलिए बनाते हैं इस आसान सी रेसिपी को। इस रेसिपी में हम कुछ खास टिप्स भी बताएंगे जिससे आपकी बूंदी बाजार जैसी बनेगी। तो बुनिया बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है मेजरमेंट। एक परफेक्ट मेजरमेंट हमें यहाँ लेना है। तो बैटर बनाने के लिए कोई भी मीडियम साइज का एक बर्तन ले लेंगे और हम बर्तन में 1 कप बेसन रखेंगे। तो हमें बेसन किसी भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं। हर एक चीज को एक ही बर्तन से मेजरमेंट करेंगे जिससे कि हमारा बुनिया परफेक्ट बन के तैयार हो। तो हमने यहाँ पे इस बॉल से 1 कप बेसन लिए थे और 1 कप पानी भी लिए हैं। बट पानी को एक बार बेसन में ऐड नहीं करना है, पहले हम आधा ही पानी ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। अगर हम बेसन में एक बार में पानी ऐड कर देंगे तो इसमें लम्प्स बनने लगे और बेसन अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हम बेसन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी गाढ़ा घोल बनाएं। जो है बूंदी के बैटर बनाएंगे, न उसे ज्यादा गाढ़ा रखना है और न ज्यादा उसे पतला रखना है। अब इस बैटर में हम 1 चम्मच घी रखेंगे। अगर आपको यहाँ पे घी नहीं रखना है तो इस जगह पे आप खाने वाला सोडा रख सकते हैं। और हमें बैटर के साथ घी को अच्छे से मिक्स करना है। इससे जो हमारा बूंदी बनके तैयार होगा बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बनके तैयार होगा। तो इस बैटर को हमें 6 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। बेसन का घोल बहुत पतला या गाढ़ा ना हो, नहीं तो हमारा बूंदी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो हमने बैटर को 6 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो हमें बैटर को इतना ही ठीक रखना है। जब इसे हम 1 चम्मच से गिराए तो ये रिबन के तार के जैसा बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया था बट पूरा पानी यूज नहीं हुआ है, इतना पानी बच गया है। तो इस बैटर से हमें 2 चम्मच बैटर अलग कर लेना है। इसमें हम थोड़ा सा केसर फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने फूड कलर इसलिए यहाँ पे ऐड किए हैं कि जो हमारा बुनिया बनके तैयार होगा वो मार्केट के जैसा दिखे। अगर आपको फूड कलर खाना पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते। तो अब हम बैटर को साइड करते हैं। तो अब हम बुनिया बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम रिफाइंड को ऐड करेंगे। अब हम रिफाइंड को गैस पे गर्म होने के लिए रखेंगे। इस वक्त हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। तो अब हम बुनिया छानने के लिए इस टाइप का छलनी लेंगे। अगर आपके पास ये वाली छलनी न हो तो कोई बात नहीं, हम सभी के घर में इस प्रकार की छलनी होती है, तो हम इससे भी बूंदी छान सकते हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा तेल गर्म है कि नहीं। इसके लिए हम थोड़ा सा बैटर तेल में डालेंगे। जब हमारा बैटर पूरी तरह से सरफेस को छोड़ दे तो तेल हमारा पूरी तरह से गर्म हो गया है। तो चलिए हम सबसे पहले बुनिया आपको इससे बना के दिखाते हैं। तो हमें बुनिया रखने से पहले गैस का फ्लेम लो कर लेंगे, नहीं तो हमारा बुनिया सभी जल जाएंगे। गैस का फ्लेम भी ध्यान रखना होता है कि हमें किस टाइम मीडियम रखना है, किस टाइम लो रखना है और किस टाइम हाई रखना है। जब बुनिया का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमें बुनिया को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मैक्सिमम 1 मिनट। जो हमारा बेसन का घोल है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। बैटर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। तो हम आपको जिस मेजरमेंट से बताए हैं बैटर बनाने के लिए एक परफेक्ट मेजरमेंट है। तो जब हम बुनिया छानेंगे उस टाइम में हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बुनिया कितना गोल गोल बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर का बैटर बहुत ही कम तैयार किए थे, क्योंकि इसे हमने इसलिए तैयार किए थे कि हमारे बुनिया का लुक थोड़ा अच्छा दिखे। तो चलिए अब इससे हम बूंदी बना के आपको दिखाते हैं। इसके लिए इसमें हम बैटर को डालेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अगर आप इस मेजरमेंट से बुनिया बनाएंगे तो आपका बुनिया हमेशा परफेक्ट बन के तैयार होगा। इसे हम ऐसे चला भी लेंगे एक बार। तो बुनिया बनाते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है बैटर। अगर आपका बैटर परफेक्ट बन के तैयार होगा तो आपका बुनिया हमेशा ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब बुनिया का कलर चेंज हो गया है तो इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो आप जब इसे खाएंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा जला हुआ आएगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप इजी वे में अपने घरों में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और हमें बुनिया को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मैक्सिमम आपको 1 से 2 मिनट में बुनिया बन के तैयार हो जाती है। तो इसका भी कलर अब चेंज हो गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा बूंदी कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो इसी प्रकार से हम सभी बैटर की बूंदी बना लेंगे।
आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो अब हमारा सभी बूंदी बनके तैयार है। तब हम बुनिया के लिए चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप चीनी लेंगे, और चाशनी बनाने के लिए हमेशा एक बड़ा बर्तन लेंगे, और 1 कप चीनी के लिए 1 कप पानी भी लेंगे। तो हमें चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे चीनी और पानी इक्वल लेना है। अब चाशनी को गैस पे रखेंगे और गैस को कर देंगे ऑन, और अभी हमें चाशनी को कंटिन्यू चलाना है जब तक कि हमारा चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब इस चाशनी में हम कुछ केसर के धागे रखेंगे। केसर के रखने से बुनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, बट अगर आपके पास केसर नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इस चाशनी में थोड़ा सा कलरफुल रखेंगे कलर के लिए, ये भी ऑप्शनल है। और इस चाशनी में हम 2 से 3 पीस इलायची रखेंगे फ्लेवर के लिए, और हमें चाशनी को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबालना है। जो बुनिया की चाशनी होती है वो तार वाली चाशनी नहीं होती है। तो अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा चाशनी बनके तैयार है कि नहीं। तो इसे थोड़ा अपने हाथों पे इस प्रकार से लेंगे और चेक करना है कि ये चिपचिपा है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का तार नहीं बन रहा है, बस ये चिपचिपा है। बस हमें इसी टाइप का चाशनी रखना है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे। जब हमारा चाशनी गर्म ही रहे उसी टाइम हमें चाशनी में बुनिया रखना है। तो यहाँ पे बहुत सारा बुनिया है तो इसे हम एक टाइम में नहीं रखेंगे चाशनी में, इसे हाफ हाफ करके हम चाशनी में रखेंगे, जिससे कि हमारा बूंदी चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। अगर हमारा चाशनी ठंडा होगा तो बूंदी चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे हमें गर्म चाशनी में ही रखना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है, और चाशनी में इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देना है जिससे कि बूंदी अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व कर पाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बुनिया की रेसिपी पसंद आएगी। तो आप भी इसे अपने घर पे एक बार जरूर बनाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जो हमारा बूंदी है वो बहुत ही क्रंची बनके तैयार हुआ है। तो जब ये चाशनी में जाने के बाद ये बहुत ही जूसी बनके भी तैयार होगा। अब 1 मिनट हो गया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि हमारे बूंदी के अंदर भी रस अच्छे से चला गया हुआ है। तो हम बुनिया को इस प्रकार से छान के एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास बचे हुए बूंदी है उसे फिर से हम चाशनी में रखेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस बूंदी को भी हमें 1 से 2 मिनट तक चाशनी में रखना है, या आप तब तक चाशनी में रखें जब तक कि आपके बूंदी के अंदर चाशनी चला ना जाए। अब इस बुनिया को भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम बुनिया में थोड़ा सा रोस्टेड सीड ऐड करेंगे जिससे कि हमारा बुनिया का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। आप यहाँ पर अपने पसंद का कोई भी सीड ऐड कर सकते हैं, और इसे हम गार्निश करने के लिए इसमें ड्राई फ्रूट रखेंगे। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं आपसे एक यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।